हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इन वन स्टडी। फ्रेंड, मैं आपको इस वीडियो में खेल और उससे संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को बिना किसी देरी के हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तो नेहरू ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट है, हाथी मैराथन किस शहर में आयोजित किया जाता है। तो हाथी मैराथन जो खेल है वो चित्रूल में आयोजित किया जाता है। ओके फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड, भारत के किस राज्य ने मलखब को अपना राज्य खेल घोषित किया गया है। ठीक है फ्रेंड, तो ये मध्य प्रदेश ने किया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर, इसमें बोल रहा है कि एक क्रिकेटिंग लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है। तो एक क्रिकेटिंग पुस्तक लाइफ के लेखक क्रिस्टोफर मार्टिन है। ठीक है फ्रेंड, आप ध्यान रखिएगा फ्रेंड, ये सारे इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन है, तो आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर पाँच में बोल रहा है कि विक्टोरिया ओरिजिका जानी मानी है, ये एक टेनिस खिलाड़ी है। ठीक है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर सिक्स, इसमें बोल रहा है कि एथलेटिक्स का पहला पद्मश्री विजेता है। ठीक है, तो ये बंधु सिंह जी पहले एथलेटिक्स पद्मश्री विजेता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेवन। देखिए क्वेश्चन नंबर सेवन में बोल रहा है कि 1975 के स्वर्ण पदक विजेता विश्व कप हॉकी के भारतीय टीम के कप्तान कौन थे। ठीक है, यानी कि 1975 में जब भारत ने हॉकी में विश्व कप जीता था तो उस समय उसके कप्तान कौन थे। ठीक है, तो उसके कप्तान थे अजीत पाल सिंह। ठीक है फ्रेंड, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है फ्रेंड, आप इस सारे क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा जिससे आपको याद हो जाएगा और ये आप ताकि एग्जाम से पूछे तो आप कर लो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर एट, इसमें बोल रहा है क्षेत्रीय सेना में मानद लेफ्टिनेंट कर्नल कौन विभूषित है। ठीक है, तो ये कपिल देव है। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट है सेरेना विलियम शीर्ष स्तर की महिला खिलाड़ी है, तो ये टेनिस से संबंधित है। ठीक है फ्रेंड, सेरेना विलियम किससे संबंधित है, टेनिस से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर टेन, इसमें बोल रहा है देखिए फ्रेंड, किस खेल में सुमन बाला ने भारत का प्रतिनिधित्व किया है। ठीक है, तो ये महिला हॉकी का किया है। ठीक है फ्रेंड, अगला है क्वेश्चन नंबर 11, इसमें बोल रहा है विजेंद्र सिंह संबंधित है, तो विजेंद्र सिंह ये जो है बॉक्सिंग से संबंधित है। ठीक है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 12, इसमें बोल रहा है कि एक प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी माराडोना किस देश से है। ठीक है, तो ये अर्जेंटीना से है प्रसिद्ध खिलाड़ी। देखिए फ्रेंड, माराडोना किस खेल से है, तो किस देश से संबंधित है, तो ये अर्जेंटीना से है। और अगर पूछता है कि ये किस खेल से संबंधित है, तो ये फ्रेंड फुटबॉल से संबंधित है। ओके फ्रेंड, आप इसको भी ध्यान रखिएगा, इस तरह से पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 13, इसमें बोल रहा है बुला चौधरी किस खेल विधा से सुख्यात है, तो ये तैराकी के लिए प्रसिद्ध है बुला चौधरी। अगला है नोवाक जोकोविक किस खेल से जुड़ा एक प्रसिद्ध खिलाड़ी है, तो फ्रेंड नोवाक जोकोविक लॉन टेनिस के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है फ्रेंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, इसमें बोल रहा है कि माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली सबसे अधिक आयु की भारतीय महिला है, तो फ्रेंड ये है प्रेमलता अग्रवाल। आप ध्यान रखिएगा, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे अधिक आयु की महिला है, सबसे अधिक आयु की भारतीय महिला। ठीक है फ्रेंड, आप ध्यान रखिएगा, तो ये है प्रेमलता अग्रवाल। अगला क्वेश्चन है ओलंपिक में प्रतिभाग करने के लिए भारतीय टीम को नियंत्रित करने वाली संस्था कौन सी है, तो ठीक है फ्रेंड ये IOA है। आपको इसका फुल फॉर्म कमेंट करके बताना होगा क्या होगा। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट है माउंट एवरेस्ट की फतह करने वाला सबसे युवा भारतीय कौन है। ठीक है फ्रेंड, तो सबसे युवा भारतीय जो है अर्जुन वाजपेयी है। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट है 18, इसमें बोल रहा है कि 1930 में पहली बार राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित किए गए थे, तो राष्ट्रमंडल जो खेल है वो 1930 में पहली बार कनाडा में आयोजित किए गए थे। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट आता है इंडियन ग्रीन संबंधित है। ठीक है फ्रेंड, इंडियन ग्रीन किससे संबंधित है, तो चैलेंजर ट्रॉफी से संबंधित है इंडियन ग्रीन। नेक्स्ट आता है स्टॉनले कप संबंधित है, तो स्टॉनले कप किससे संबंधित है, आइस हॉकी से। ओके फ्रेंड, अगला है रंग स्वामी कप का संबंध किस खेल से है, तो रंग स्वामी कप का संबंध हॉकी से होता है। ओके फ्रेंड, आप ध्यान रखिएगा। अगला आता है वर्धमान ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है,
तो वर्धमान ट्रॉफी का संबंध फ्रेंड भारोत्तोलन से है, ठीक है फ्रेंड, ये वेट लिफ्टिंग। नेक्स्ट आता है 23, इसमें बोल रहा है संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, तो संतोष ट्रॉफी का संबंध होता है फुटबॉल से। ओके फ्रेंड, तो फ्रेंड देखिए इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत से पूछते हैं कि इसका संबंध किस खेल से है, इस ट्रॉफी का संबंध किससे खेल है, तो मैं वो सारे क्वेश्चन बता रहा हूँ और फ्रेंड ये सारे इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टेड है। ओके फ्रेंड, तो आप इस पूरे को अच्छे से देख लेंगे तो आपको अगर उसमें पूछता है तो एक या दो क्वेश्चन फंस सकता है। ओके फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट है सुब्रतो कप का संबंध किस खेल से है, ठीक है फ्रेंड, तो ये फुटबॉल से संबंधित है सुब्रतो कप का। अगला है 2018 फीफा विश्व कप आयोजित किया जाएगा, सॉरी फ्रेंड यहाँ किया जाएगा नहीं, ये हो चुका है तो आयोजित किया गया है। ओके फ्रेंड, ये मिसप्रिंट हो गया है, तो ये रूस में आयोजित किया गया था। अगला आता है दो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के मध्य कितने वर्षों का अंतर होता है, तो 4 वर्षों का अंतर होता है। नेक्स्ट आता है 27, इसमें बोल रहा है कि किस वर्ष भारत ने ओलंपिक खेलों में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जीता था, तो ये 1928 में जीता था। ओके फ्रेंड, अगला क्वेश्चन आता है, इसमें बोल रहा है सुल्तान अलजान शाह हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन कौन सा देश करता है, तो ये मलेशिया करता है। ओके फ्रेंड, आपको फ्रेंड क्वेश्चन देखिए ये आपने पहली बार सुना होगा, बट इसी टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, तो आप इसको पढ़ लोगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा और आप एग्जाम में कर लोगे। देखिए अगला बोल रहा है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाले टेस्ट मैचों की श्रृंखला को क्या कहा जाता है, तो ये एशेज बोलते हैं। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट है ओलंपिक खेलों में किस खेल के लिए बेल वॉकर कप प्रदान किया जाता है, ठीक है फ्रेंड, तो ये मुक्केबाजी के लिए दिया जाता है बेल वॉकर कप। ओके फ्रेंड, ध्यान रखिएगा। अगला आता है राधा मोहन कप का संबंध किस खेल से है, तो राधा मोहन कप का संबंध पोलो से है। ओके फ्रेंड, अगला आता है 33, इसमें देखिए बोल रहा है पूर्ण आकार के गोल्फ के मैदान में कितनी संख्या में होल्स होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि ये 18 गोल्स होते हैं, सॉरी फ्रेंड होल्स होते हैं, जिसमें कि बॉल को छोड़ा जाता है। ठीक फ्रेंड, आप देखे होंगे इस तरह से कई सारे होल्स होते हैं, तो ये 18 होते हैं। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट है तेजस्विनी सावंत प्रथम भारतीय महिला है जिसे विश्व चैंपियन का सम्मान मिला, तो ये निशानेबाजी में मिला। ठीक है फ्रेंड, तेजस्विनी सावंत को किस खेल में मिला है, निशानेबाज में। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विश्व प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल किस देश से हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये स्पेन से संबंधित है राफेल नडाल। ओके फ्रेंड, अगला क्वेश्चन आता है भारत का फ्लाइंग सिख किसे कहा जाता है, ठीक है फ्रेंड, तो भारत का फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह को कहा जाता है, जो कि फ्रेंड बहुत तेज धावक हैं और इन्होंने कई सारे अवार्ड जीते हैं जिसमें भारत को बहुत गौरवान्वित किया है और अपने देश के लिए जीता है, तो ये फ्लाइंग सिख के नाम से मिल्खा सिंह को जाना जाता है। ओके फ्रेंड, अगला आता है लाल बहादुर शास्त्री क्रिकेट स्टेडियम स्थित है, ठीक है फ्रेंड, तो ये हैदराबाद में स्थित है। लाल बहादुर शास्त्री क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर स्थित है, तो ये हैदराबाद में स्थित है। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट आता है भारत विश्व कप क्रिकेट का चैंपियन कब बना, ठीक है फ्रेंड, ये 1983 में बना और एक 2011 में बना। ठीक है फ्रेंड, ये दो बार भारत बन चुका है विश्व क्रिकेट कप चैंपियन, एक बार फ्रेंड बना था कपिल देव के टाइम पे और एक बार जब कैप्टन थे महेंद्र सिंह धोनी। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट है ओलंपिक की व्यक्तिगत स्पर्धा में रजत पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन है, तो ये है राज्यवर्धन सिंह राठौर। ठीक है फ्रेंड, आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 40, देखिए इसमें बोल रहा है ओलंपिक की व्यक्तिगत स्पर्धा में कोई पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है, तो ये है कर्णम मल्लेश्वरी। ठीक है फ्रेंड, अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 41, इसमें देखिए फ्रेंड बोल रहा है कि प्रथम बार किस वर्ष 29 अगस्त राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया गया, तो ये प्रथम बार मनाया गया था 1995 में, यानी कि 1995 में मनाया गया था। अगला आता है 42, देखिए फ्रेंड इसमें बोल रहा है कि भारत के प्रथम टेस्ट क्रिकेट कप्तान कौन थे, तो ये थे सीके नायडू। ओके फ्रेंड, आप ध्यान रखिएगा, सीके नायडू प्रथम टेस्ट कप्तान थे। अगला आता है प्रथम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच कब खेला गया, तो ये सबसे पहले खेला गया था 1971 में, आप ध्यान रखिएगा 1971 में पहली बार खेला गया था। क्वेश्चन नंबर 44, इसमें देखिए फ्रेंड बोल रहा है कि विश्व कप
फुटबॉल का सर्वाधिक बार विजेता होने का गौरव किस देश को प्राप्त है? तो ये ब्राजील को प्राप्त है। ओके फ्रेंड, ब्राजील यानी कि सबसे ज़्यादा बार फुटबॉल में जीता है, ठीक है, फुटबॉल विश्व कप जीता है। अगला क्वेश्चन आता है, एशियाई खेलों का प्रथम आयोजक देश होने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो ये भारत को प्राप्त है। ठीक है फ्रेंड, एशियाई खेल का प्रथम आयोजक, जब एशियाई खेल आयोजित हुआ था तो इसका प्रथम आयोजक जो था वो भारत था। नेक्स्ट है, प्रथम एशियाई खेल का आयोजन, सॉरी फ्रेंड, प्रथम एशियाई खेल का आयोजन नई दिल्ली स्थित किस स्टेडियम में हुआ था? ठीक है फ्रेंड, तो ये हुआ था नेशनल स्टेडियम। ठीक है, एक मिनट। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 47। देखिए इसमें बोल रहा है कि आधुनिक ओलंपिक को शुरू करने का श्रेय किसे जाता है? तो ये जाता है पियरे दी कुबर्तिन को। ठीक है फ्रेंड, आप नाम ध्यान रखिएगा, नाम थोड़ा टेढ़ा है बट आप इसको याद रखिएगा, पियरे दी कुबर्तिन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कि ओलंपिक के किसी स्पर्धा के फाइनल तक पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो ये है पीटी उषा जी। ठीक है फ्रेंड, ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 49। देखिए फ्रेंड, इसमें बोल रहा है कि भारत ने ओलंपिक खेलों में सर्वप्रथम भाग किस वर्ष लिया था? तो ये सबसे पहले 1928 में लिया था भारत ने भाग। ओके फ्रेंड, और फ्रेंड ये मेरा आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50। इसमें बोल रहा है कि ओलंपिक खेलों में महिलाओं की भागीदारी सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुई? तो ये 1900 में प्रारंभ हुई, जो कि पेरिस ओलंपिक में हुई थी। ठीक है फ्रेंड, तो फ्रेंड मैंने आपको यहाँ पे 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया हूँ जो कि खेलों से संबंधित है। इसमें मैंने सारे टाइप के क्वेश्चन कवर करा दिया है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो फ्रेंड ये सारे इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टेड क्वेश्चन थे। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। फ्रेंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही आप बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे कि आने वाले नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तब तक के लिए फ्रेंड बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।